आपका सब्सक्राइब करना हमारा और आपका रास्ता कंटिन्यू कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी ये प्रोजेक्ट है हमारा, एक दोस्त है उनका प्रोजेक्ट है। देखें अभी हम जब भी साइट पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमें फैसिलिटीज नहीं होती हैं कभी कभार, क्योंकि फील्ड का काम होता है। कभी जैसे हमारे दोस्त हैं ये बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, तो इस तरह अभी लैपटॉप नहीं है या बिजली नहीं है या कुछ कंप्यूटर नहीं है, तो उनको एक अर्जेंट काम मिला है जिसमें ये डेप्थ है 2.5। आप ये देख रहे हैं 2.5 की डेप्थ है और ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के बाद उन्होंने एक एंगल दिया हुआ है कि ये 45 डिग्री के साथ दोनों तरफ इसको 2.5 डेप्थ के साथ आप ये मार्किंग करके इसकी एक्सकेवेशन शुरू कराएं। तो इसको मैनुअल कैसे कैलकुलेशन करें, ये 45 एंगल जो कि 1:1 का स्लोप बनता है तो बहुत इजी है, लेकिन अगर ये 30 का हो, 35 का हो और इसमें मिनट, सेकंड और इस तरह के और डिग्री भी इंक्लूड हो, तो फिर ये मार्किंग करने के टाइम पे ये देखें ये 9 मीटर का बेड है और उसके बाद 9 मीटर के बाद तो ये विड्थ और कितनी बनेगी एक्स्ट्रा स्लोप के साथ, अगर ये 2.5 है या वेरी करता है तो उस तरह से इसकी कितनी डेप्थ होगी। डेप्थ अगर वेरी करेगी तो इसकी विड्थ कितनी होगी। ये इस साइड में आप देख रहे हैं ये ए क्या बनेगा, इसका बी क्या बनेगा, अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इस तरह से अगर पिचिंग करेंगे इसकी दोनों साइड तो ये हाइट जो बी है वो कितनी बनेगी। तो इस तरह का कुछ कैलकुलेशन है जो कि हम मैनुअल बताएंगे, ताकि अगर जो हमारे भाई हैं काम कर रहे हैं जिनके पास ये कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो 10 एंगल आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट के साथ करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट करेंगे तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगा। इस तरह से ये बिल्कुल ही सिंपल जी। तो इस तरह का कुछ हमारे पास कैलकुलेटर होता है और 10 इसमें हम लिखेंगे, प्रेस करेंगे 10 और 10 के बाद जो कोई भी एंगल हो, हमारे पास यहाँ 45 का है तो 45 लिखेंगे, वरना डिग्री मिनट सेकंड कोई वेरिएबल होगा तो भी हम लिख सकते हैं 45 को, क्योंकि 1:1 का स्लोप बनता है, इसका जवाब 1 ही आएगा। और उसके बाद ये 1 के साथ अब हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हाइट है यहाँ पे 2.5 का, तो हाइट मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही 2.5 ही जवाब आएगा। तो हमारे पास बाकी रह गया हाइट भी, तो अंडर रूट लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट हाइट वर्टिकल हाइट 2.5 स्क्वायर कर देंगे और ब्रेकेट ओवर और प्लस कर देंगे हॉरिजेंटल हाइट जो भी हमारा जो के हमारी वो भी 2.5 ही निकली थी, और यहाँ पे ब्रेकेट ज़रूर देंगे जो कि हम डिलीट करके इसको दोबारा ब्रेकेट के साथ ले लेते हैं। तो 2.5 ये हॉरिजेंटल विड्थ हो गई और इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, ब्रेकेट ओवर करेंगे तो हमारे पास ये हाइट बी भी आ गई 3.53। अगर फिगर आप 3 लेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन है मैन्युअली और ए और बी की डिस्टेंस निकाल कर भी देख लेते हैं कि कितने बनते हैं। तो ये 2.5 और ये भी 2.5 बनेगा, डेफिनेटली 1:1 का स्लोप है तो ये बनेगा हमारा 3.536 और 3.536। ये है टोटल हमारी कैलकुलेशन। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये हमने देखा कि मैनुअल कैलकुलेशन और ये स्केच की कैलकुलेशन दोनों आपस में मैच हो रही हैं 2.5 और 3.536। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर रेज करें, हम कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द जवाब देने की। आपका सब्सक्राइब करना हमारा और आपका रास्ता कंटिन्यू कर सकते